स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो मॉक टेस्ट हम संडे को डेली बेस पे करते हैं और हमारा जो सेशंस रहते हैं सुबह आठ बजे इंग्लिश का और शाम को आठ बजे जीएस का मंडे टू सैटरडे डेली बेस पे चलते हैं तो आपका संडे को डेली आपको मॉक प्रोवाइड होता है ए डीप कट आर टेयर इन स्किन आर फ्लैश लेस्केरेशन टर्मिनेशन सीजेशन एंड डेजिटेंस तो इसका सही आंसर आपने बताना है डीप कट आर टेयर इन स्किन तो ऑप्शन नंबर ए लैकेरेशन इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही और बिल्कुल राइट और बिल्कुल कोेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बियरली सफिशेंट और एडिकेट स्कैंट डेल्ग पैलेथोरा सरफीट तो इसका ऑप्शन नंबर ए ए एनि कि स्कैंट इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट और करेक्ट आंसर प्यरली सफिशेंट आर एडिकेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते जाएंगे उनको डिस्कस करते हैं एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओडासिटी पैट्रीफाइड एबैस्ड स्किटिश चट तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी डी जानी की चर्च ऐप इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर आपका ये मॉक है जो भी डिस्कस हम सेशन में करते हैं आप उधर देख सकते हो द कलैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैन बाय द स्टेट वेंटन ब्रेजन फ्लैग्रेंट सैम इज डैट इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सैम इज डैट इज द राइट आंसर शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल आर थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली सोलम प्योस डिबाउट ट तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी डी जाने की क्या हो जाएगा इंट राइटर right इस क्वेश्चन का आएगा ठीक है यह आपने याद रखना है शोइंग पोर टेस्ट एंड क्वालिटी पोर टेस्ट एंड क्वालिटी दिखाना सैबर पाइक टैकी एक्सक्वाइज शोइंग पोर टेस्ट एंड क्वालिटी तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा टैकी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका आपका बिल्कुल कोरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं द स्टेट आर क्वालिटी ऑफ बींग होली स्क्योर्ड आर सेंटली वेस सेंसिटी वाइल हैनियस सेवंथ का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी बी जाने की सेंसिटी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द कोेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ एथिज्म इम्पाइटी थियोलॉजिकल ऑप्शन नंबर डी थियोलॉजिकल इज द राइट आंसर आपका होगा चलो आगे एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल वैलड सोनट ओपस लाइमरिक तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सी जाने की ओपस इज द राइट आंसर इज एन एंड अ सिस्टम प्रैक्टिस इज द राइट आंसर अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेम द प्रोसेस इन विच मेटल इज अटैक बाय सबस्टांस अराउंड इट सच एस मॉइस्चर एंड एसिड्स एटसेट्रा ऑक्सीडेशन कोरिजन रेंसिडिटी या रिडक्शन तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बी जाने की कोरिजन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो हमारे पहले के सेशन हुए हैं आप उनमें देख सकते हो उनमें कंप्लीट डिटेल में सेशन जो पड़े हुए हैं ए रेडियो एक्टिव रेयर गैस रेडियो एक्टिव रेयर गैस कौन सी हो जाएगी हीलियम क्रिप्टॉन जिनॉन या तो रेडॉन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रेडियो एक्टिव रेयर गैस इज रेडान ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी बिल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने ट्वेंटी सिक्स थर्टी और ट्वेंटी एट तो फिफ्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स कर लीजिए वो होता है थर्टी तो एटॉमिक नंबर सी इसका इस द राइट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थर्टी हो जाएंगे नेक्स्ट ब्रॉन्स इज एन अलाए ऑफ कॉपर एंड निकल आयरन टिन या एलमिनियम तो ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्स इज एन एलाय ऑफ कॉपर एंड टिन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट इज द आंसर आपका होगा बिल्कुल आंसर आपका आएगा ऑफ द द फॉलोइंग इन फॉर्मेशन पेट्रोलियम गैस की फॉर्मेशन में कौन होता है मिथेन एंड इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन मिथेन एंड प्रोपेन इथेन एंड ब्यूटेन तो सही आंसर इसका प्रोपेन एंड ब्यूटेन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द सोल्यूशन ऑफ मर्करी विद अदर मेटल इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन अन एमलगम या अन या सुपर सैचुरेटेड तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमलगम इज द राइट आंसर एमलगम इज द करेक्ट आंसर आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एटोमिसिटी ऑफ इनर्ट गैस इनर्ट गैस की अटोमिसिटी वन थ्री टू या फोर तो एटोमिसिटी इसकी कितनी हो जाती है एटोमिसिटी ऑफ इनर्ट गैस इज वन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर विच ऑफ़ द फॉलिंग लिक्विड हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी लोएस्ट डेंसिटी किसकी हो जाएगी साल्ट वाटर पेट्रोल मरकरी या फ्रेश वाटर तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बी यानी कि पेट्रोल इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप इस साथ में इस माँ को कम्प्लीट करें और अपना स्कोर जरूर बताते जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म एमलगम इनमें से कौन सा मेटल एमलगम को फॉर्म नहीं करता जिंक कॉपर मैग्नीशियम या आयरन तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आयरन इज द राइट आंसर आयरन इज द करेक्ट आंसर आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड कार्ल एन तो उसको क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कंबशन या डिस्प्लेसमेंट जिसमें हीट जनरेट होती है तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिच एसिड इज द मेन कॉन्स्िचुएंट ऑफ विनेगर विनेगर का मेन कॉन्स्टिचुएंट कौन हो जाएगा टार्टरिक एसिड मैलिक हाइड्रोक्लोरिक इथेनोइक तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास डी इथेनोइक एसिड इज द राइट आंसर वट इज़ द बोंड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैनजीन मालिक्यूल बैनजीन मालिक्यूल में कितना बोंड एंगल स्ट्रक्चर होता है सिक्सटी नाइन्टी वन ट्वेंटी वन फिफ्टी तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी जाने की वन ट्वेंटी इज द राइट आंसर नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी बोथे एन बी नैन ऑफ दिस तो इसका क्या हो जाएगा हमारा बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर द कुकिंग गैस इज मेनली मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेज मिथेन एंड इथेन इथेन एंड प्रोपेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन ब्यूटेन एंड पेंटेन तो इसका क्या हो जाता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट इज द कुरेक्ट आंसर आपका होगा आपको डेली बेस पे सुबह आठ बजे इंग्लिश शाम को आठ बजे जी और उनका इंपॉर्टेंट पी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है टेलीग्राम का उसको आपने ज्वाइन करना है वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट सभी पी अवेलेबल होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट आयोडिन वन कार्बन फोर्टीन फास्फोरस थर्टी टू कोबाल्ट सिक्सटी तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन सॉरी कोबाल्ट सिक्सटी इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट प्रपोज एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज करी है जे जे थॉमसन रोदरफोर्ड जॉन डेल्टन नील बोहर तो वन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन डेल्टन इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूल इन कार अलॉन्ग विद पेट्रोल मिथेन इथेनॉल ब्यूटेन या इथेन तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल इज द राइट आंसर इन द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ डर ट्रायड आर फॉस्फोरस एंड एंटीमनी द सेकेंड मेंबर ऑफ ट्रायड इज आयोडीन सल्फर कैल्शियम या आर्सनिक तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्सनिक इज द राइट आर्सनिक इज द करेक्ट आंसर टू मासिस ऑफ टू रेडियो एक्टिव सबस्टांस आर सेम एंड देर हाफ लाइफ आर वन ईयर एंड टू ईर रिस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटी सिक्स ईयर बिल बी तो इसका सही आंसर आपका वन इज टू फोर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर डैश इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट एनर्जी रिजल्टिंग इन अ फ्लेम ऑफ तो क्या उधर प्रोड्यूस होता है कन्वेक्शन कार्बनाइजेशन कम्बशन या कंडक्शन तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सी जाने की कम्बशन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट आ जाएगा वर्किंग क्लास रिगार्डेड कोलेक्टिवली अप्यूलेंट प्रोलेटरेट गिलडीड एफ्यूलेंट तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोलिट्रिएट इज द राइट आंसर एन एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिजम आर एक्यूसेशन ऑबिस पैनीगारिक होमेज टीरेड तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीरेड इज द राइट आंसर पोर्ट्रे इन वर्ड्स एनस्कोन डेपिक्ट वेल या ऑप्सकियर तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बी जानी कि डेपिक्ट इज द राइट आंसर चलो साथ साथ में करते जाओ और अपना स्कोर बताते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द फार्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस वेरिफिकेशन सबस्टैंडिडेशन स्पेकुलेशन अटेस्टेशन तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पेकुलेशन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रिगार्ड समथिंग एज बींग ड्यू टू अ अज एडवाटेटियस सुपरफ्लोस इंसिडेंटल ए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी डी जानिए कि एस्क्राइब इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एपी हेमरल इनसेसेंट पैरी एनियल तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एपी हेमरल इज सही और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपको इसका भी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में तो पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पी डाउनलोड कर सकते हो प्लेस आर इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर ऑस्ट एफेस पर्ग इंटरपोस तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी डी यानी कि इंटरपोज इज द राइट आंसर मेकिंग आर स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम अबाउट सम वन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपिटेशन एग्जाम्पलरी लॉडेबल स्क्रिलियस टैलर तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्किलियस इज द राइट आंसर रब पार्ट ऑफ बॉडी टू रिस्टोर वार्म थार सेंसेशन एसंडर गील्ड चैफे निपी तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैफे इज द राइट आंसर शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंड टेक्टिक्स टू अचीव गोल स्कर्पलस बेरेशियस ऑथेंटिक डेवियस तो ऑप्शन नंबर डी डेवियस इज द राइट आंसर तो ये हमारा मॉक था जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए होते सेशन है उनमें से ये आते हैं क्वेश्चन और आपको इनकी पी भी अवेलेबल हो जाएगी अगर इनके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही